न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। बांदा मेडिकल कॉलेज में नर्सों के आपस में मारपीट का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पे वायरल। आइए हमारे साथ बने रहिए, पूरी खबरों पर नजर डालते हैं और क्यों वीडियो ये वायरल हो रहा है, नर्सों की क्या लापरवाही की वजह से, हमारे साथ बने रहिए, पूरी खबरों की जांच पड़ताल करते हैं। बांदा मेडिकल कॉलेज में नर्सों का आपस में मारपीट का वीडियो है सोशल मीडिया पे वायरल, जिसमें आपको बताया चले कि स्टाफ के नर्स आपस में चप्पल जूते के नजर आ रहे हैं, वायरल करते हुए वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज में एक नर्स आरती ने कोतवाली में जाकर तहरीर दी है। दूसरे पक्ष में भी आपको बताया चले पक्ष को तहरीर दी गई है। इतना सब घटित हो जाने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से आपको बताया चले मामले में चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। पुलिस पूरे मामले में जाँच के लिए जुटी हुई है। वायरल आपको तस्वीरें में वीडियो दिखाया जा रहा, देख भी सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में अनुशासन की सुरक्षा को लेकर आपको बता दें कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बताते चले किसी मेडिकल कॉलेज को लेकर मान्यता भी रद्द की जा चुकी है। बांदा मेडिकल कॉलेज में लगातार सवाल के घेरे में चल रहा है। आइए सुनते हैं पूरे बयान। रहने के लिए उच्चने के लिए बांदा से खास रिपोर्ट। थोड़ा तेजी बोलिएगा, क्या हुआ है, पूरी घटना क्या है? रमा अवस्थी, अर्चना द्विवेदी, रश्मि अवस्थी और आसिफ, क्या कह रहे हो? और भी जेंट्स थे कोई? आसिफ के अलावा साइलेंट था लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। क्या हुआ है? और बाकी इनके साथ तीन लोग और थे जिन्होंने आसपास से सिर्फ घेरा था, वर्षा, सैला और सैलिंग। इन लोग छह लोग मिलके आए थे, इनमें से तीन लोगों ने मुझे मारा है, अर्चना द्विवेदी, रमा अवस्थी और आसिफ अंसारी। क्या कारण है, क्यों मारा है? मैं ओटी ब्लॉक से आ रही थी, सर के पास एप्लीकेशन दे के डॉक्टर दिलीप को, उसी तभी से ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। वहाँ से भाग के मैं मैट्रन ऑफिस आई हूँ तो मैट्रन ऑफिस में मारा। क्या पहले से कोई प्री प्लानिंग के तहत मारा गया आपको? हाँ, कोई विवाद था आपसे? काफी देर से ये लोग पीछे पीछे घूम रहे थे लेकिन जहाँ अकेली मिली हूँ तब मारा है इन्हों। इसके पहले कोई विवाद हुआ था क्या आपसे, ऐसा कुछ? हाँ, इन्होंने पहले साइन करवाने को लेके मुझे गाली गलौज वगैरह की थी। इसकी एप्लीकेशन है मेरे पास, मैंने प्रिंसिपल सर को रिटर्न में दिया था। इसके पहले भी ये मुझे धमकी दे चुकी है मारने की। प्रिंसिपल साहब की तरफ से कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या कोई वीडियो वगैरह भी बनाया क्या इन लोगों ने? किस तरह के वीडियो है उसमें? जब मैं थोड़ा सा, इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की उस टाइम पे, जब मैं मॉर्निंग से अपना साइन कराने के बाद, हाँ, तेज बोल रही थी, मैं भेजती हूं ड्यूटी से भेजने के बाद हम इस समय वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसके हमें सारी रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट देने के बाद हम लोग अपने पेपर कंप्लीट करते हैं। पेपर कंप्लीट करने के बाद ये लड़की वहाँ से रोती हुई बोली, मैं मुझे बचाइए। तो मैंने कहा कि बस मेरा उठना हुआ वहाँ से, और दो तीन लड़कियाँ रमा अवस्थी, अर्चना द्विवेदी, आसिफ अंसारी और रश्मि अवस्थी, इतने लोग आए और सब इसको घेर के और रमा अवस्थी और अर्चना इसको मारने लगे। ये वीडियो बनाने का पता चल गया, ये लड़की अकेले पड़ गई और हम लोग भी बचा रहे थे तो बोले कि इसको मारे हैं, कल भी तुम्हें, तुम तो दूर हट जाओ, तुम्हें भी मार पड़ जाएगा। अच्छा, क्या दबंग टाइप की हैं क्या? क्या इसे यहाँ पे माहौल भी ख़राब करती हैं? कोई विवाद था इन लोगों का? कोई उसमें जेंट्स कौन था मारपीट के दौरान? आसिफ अंसारी कौन है? स्टाफ इवनिंग शिफ्ट के, आरती आई मेरे पास, पहले आरती आई, आरती कहने लगी कि दीदी हम लोग तो बाहर बहस हुई है ऐसे करके और ये ऐसा करके कह रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम तीनों लोग ऐसा करो, तीनों प्रिंसिपल ऑफिस चलो, जो भी मतलब तुम लोगों को कहना है वो सारी चीज़ें प्रिंसिपल ऑफिस में होंगी। तो बस यही कहते कहते इन दोनों के बीच में बहस हो गई, दोनों लोग तेज तेज बात बात करने लगे, एक दूसरे से हाथापाई करने लगे और बस उसके बाद ये लोग लड़ गए, बीच में बचाते रहे। कितना पीटा है इनको, कितने लोगों ने पीटा है, कौन कौन था, आपने क्या देखा वहाँ? अर्चना द्विवेदी थी और रमा अवस्थी थी, तो इन लोगों ने मिलके इनको मारा है। हाँ। किसकी पिटाई हुई है? अब आरती को मारा है। आपका नाम क्या है, यहाँ पे किस उस पे है? लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।